लगातार चौथे रणजी सीजन में घटिया प्रदर्शन के बीच यूपी रणजी टीम में फिर जोरदार घमासान चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद में मध्य प्रदेश के खिलाफ पहले रणजी मैच के पहले कप्तान सुरेश रैना और प्रवीण कुमार का एक नए कोच मनोज प्रभाकर से जोरदार झगड़ा हुआ। इस वजह से ही पहले मैच में प्रवीण को खिलाया नहीं गया और कैप्टन रैना ने बैटिंग नहीं की। नए सीजन की शुरुआत के पहले सुरेश रैना को टीम का कप्तान बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद में मैच के पहले मीडियम पेसर प्रवीण कुमार बिना परमिशन होटल से बाहर गए थे। उनके साथ कैप्टन रैना भी थे। लौटने पर नए कोच मनोज प्रभाकर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। इस कारण पीके और रैना की प्रभाकर से खूब गर्मागर्मी के बाद गाली गलौज तक पहुँच गयी। किसी तरह तीनों को शांत कराया गया। मैच के प्लेइंग 11 में प्रवीण को जगह नहीं मिली। टीम की कमान रैना ने संभाली लेकिन उन्होंने बैटिंग नहीं की। आधिकारिक तौर पर दावा किया गया कि रैना को वायरल फीवर है। मैच के बाद उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने घायल बताकर प्रवीण को 4 मैचों के लिए टीम से बाहर कर दिया। हालांकि अब तक उनकी फिटनेस की कोई जानकारी नहीं दी गई है। टीम में जबरदस्त तनातनी है। सूत्रों का दावा है कि अब लगातार बुलाने के बावजूद प्रवीण टीम से नहीं जुड़ रहे हैं।